Product A yield by product X and Y. The joint and subsequent expenses of manufacture were as follows. आपको joint और subsequent ये दिए हुए हैं expenses. Now show the distribution of joint expenses and prepare production account. आपको joint expenses दिखाने और साथ में आपको production account prepare करने हैं. This is the statement showing apportionment of joint expenses, जिसमें ये particulars और ये आपको A, X, Y का column given है. सबसे पहले हम लिखते हैं selling price, जो कि आपको question में individually given है, A, X and Y की, जो आपने यहाँ पर लिख दी है. Fine, उसके बाद में less होता है estimated profit. प्रॉफिट क्या है सेलिंग प्राइस का 40%, 30% और 20% सबका अलग अलग है. इसका 40%, इसका है 30% और इसका है 20%. तो वैल्यूज आ रही है आपकी 2,04,000, 63,000 एंड 20,000. तो टोटल कॉस्ट हमारी क्या है इसको लेस करने के बाद, दैट इज 3,06,000, 1,47,000 और 80,000. फाइन. नेक्स्ट आता है हमारा सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस. सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस का टोटल आपको क्वेश्चन में गिवन है 1,26,000, 75,000 और 35,000 यहाँ लिख दिया आपने. उसको भी आपने लेस कर दिया तो ये एस्टिमेटेड जॉइंट कॉस्ट आ गई है, डैट इज 1,80,000, 72,000 और 45,000. नाउ अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में जॉइंट एक्सपेंसेस गिवन है, मटेरियल लेबर और ओवरहेड का टोटल कितना गिवन है, 2,82,000 आपको क्वेश्चन में गिवन है. फाइन. और अभी आपने कितना फाइंड आउट किया, 1,80,000 प्लस 72,000 प्लस 45,000, 1,80,000, 72,000 और 45,000. इनका आप टोटल करेंगे, वैल्यू आ रही है आपकी 2,97,000. तो 2,97,000 तो आपका इस स्टेटमेंट में शो कर रहा है और क्वेश्चन में आपको गिवन है 2,82,000. दैट मींस इनमें जो डिफरेंस है वो क्या होगा हमारा, सेलिंग एक्सपेंसेस. ठीक है, वो क्या है हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस. इन सेलिंग एक्सपेंसेस को भी हमें इन ए एक्स एंड वाई में डिवाइड करना है, तभी ये हमारे जॉइंट एक्सपेंसेस आएंगे. अब सेलिंग एक्सपेंसेस को अलोकेट हम कैसे करेंगे, सेलिंग प्राइस के आधार पर. तो सेलिंग प्राइस है हमारी 5,10,000, 2,10,000 कॉमा 1,00,000. ठीक है, तो इसका रेशियो आ गया हमारा 51:21:10, 51:21:10 और अलोकेशन करना है आपको 15,000 का. फाइन. तो 15,000 डिवाइडेड बाय 82 मल्टीप्लाई बाय 51, इधर आ जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाय 82 मल्टीप्लाई बाय 21, ये आ जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाय 82 मल्टीप्लाई बाय 10. तो इससे क्या वैल्यूज आ जाएगी आपकी, इससे ये वैल्यूज आ जाएंगी आपकी, जो कि आपके सेलिंग एक्सपेंसेस है. नाउ अब इसको लेस करने के बाद में हमारा जॉइंट एक्सपेंसेस आ गए हैं. आप इनको ऐड करके देखेंगे तो ये क्या आएंगे, 2,82,000, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है. तो ये शेयर हो गया ए एक्स एंड वाई का किस में, जॉइंट एक्सपेंसेस में. तो आपको पता लग गया ए का कितना है, 1,70,670, इसका है 68,160, इसका है 43,170. नाउ अब ये स्टेटमेंट बन चुका है हमारा, अब हम बनाएंगे प्रोडक्शन अकाउंट. दिस इज आवर प्रोडक्शन अकाउंट, ए मेन प्रोडक्ट अकाउंट. अब इसमें सबसे पहले आपको पता है मटेरियल लेबर और ओवरहेड लिखेंगे, पहले लिखेंगे हम जॉइंट, फिर लिखेंगे सब्सिक्वेंट. जॉइंट ये कहां से आई है, ये आई है हमारी क्वेश्चन से. फाइन. क्वेश्चन में आपको गिवन है 1,12,000 मटेरियल की, लेबर की भी गिवन है 80,000 और ओवरहेड की गिवन है 90,000. मटेरियल की सब्सिक्वेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है 40 लिख दिया और
42 लेबर का है, उसको भी लिख दिया। ए वाले कॉलम में देखेंगे आप, और ओवरहेड का भी 44। फाइन, इनका ग्रैंड टोटल बाहर आ जाएगा। नाउ यहां तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहां पे हमारे जॉइंट सब्सिक्वेंट दोनों एक्सपेंसेस आ गए हैं। नाउ इधर आते हैं हमारा बाय एक्स बाय प्रोडक्ट अकाउंट और बाय वाई बाय प्रोडक्ट अकाउंट, क्योंकि इनका भी हमारा शेयर है जॉइंट एक्सपेंसेस में। कितना शेयर है उसके लिए हमने स्टेटमेंट बनाया था। देखिए ये रहा स्टेटमेंट, इसमें ये शेयर है इनका जॉइंट एक्सपेंसेस में, तो उसको लेस कर देंगे तो सिर्फ ए का रेशियो आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने ये मेंशन कर दिया, तो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई बैलेंसिंग फिगर में, इसमें से आपने इन दोनों को लेस कर दिया टोटल में से, तो वैल्यू आ गई 296,670। ये है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे बीडी हो गया, इधर लिख दिया। अब इसके सेलिंग एक्सपेंसेस भी निकले थे, यहाँ देखिए ये आपके सेलिंग एक्सपेंसेस है, इसको भी हमें नोट करना है, उसमें यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे सेल्स लिखेंगे, सेल्स क्वेश्चन में गिवन है ए की 5,10,000, यहाँ मेंशन कर दिया आपने, और बैलेंसिंग फिगर में हमारा प्रॉफिट आ गया। दिस इज आवर प्रोडक्शन अकाउंट ऑफ ए। नाउ अब हम बनाएंगे एक्स और वाई का भी। एक्स का प्रोडक्शन अकाउंट, हमने मेन प्रोडक्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड में एंट्री की थी एक्स की, तो इधर किस में हो जाएगी, डेबिट साइड में हो जाएगी ए की। कितने अमाउंट से, जो कि जॉइंट एक्सपेंसेस में रेशियो है, यही रेशियो था जो स्टेटमेंट में देखा। नेक्स्ट है, अब इनके अलग अलग मटेरियल लेबर और ओवरहेड इनके कॉलम में गिवन है, उनको आप लिख देंगे 25,000, 30,000 और 20,000। नाउ ये आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसका टोटल ये सी डी बी डी हो जाएगा। इसकी सेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 2,10,000। नाउ सेलिंग एक्सपेंसेस हमने पीछे कैलकुलेट किए स्टेटमेंट में, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसका इंडिविजुअल प्रॉफिट आ गया। ऐसे ही हम Y का बनाते हैं, Y में भी सेम, ये तो है जॉइंट एक्सपेंसेस में इसका शेयर, डेट इज 43,170, मटेरियल लेबर और ओवरहेड ये है। नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब इधर आएगा बाय सेल्स। सेल्स कितनी है इसकी, 1,00,000। फाइन, इधर आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू सेलिंग एक्सपेंसेस, ये स्टेटमेंट में कैलकुलेट किए हैं। नाउ पी एंड एल अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।